नमस्कार मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास और बाबा रामदास ने जो कपड़ा पहना है वो गेरुआ है और मेरा मानना है कि न केवल गेरुआ कपड़े पहनने वाले बाबा बल्कि इस देश के हर एक व्यक्ति का ये प्रथम उद्देश्य है या फिर प्रथम कर्तव्य है कि वो हिंदुत्व के साथ खड़ा हो और देश विरोधी ताकतों के साथ युद्ध करे उनसे दो दो हाथ करे और खासतौर से ऐसा नेरेटिव जो देश के खिलाफ ठीक नहीं है यानी कि आप भारतीय समाज हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरोध में जो नेरेटिव है उसके खिलाफ दो दो हाथ करना चाहिए और बाबा रामदेव इसलिए बाबा रामदास इस काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं यूट्यूब के माध्यम से परसेप्शन क्रिएशन बेहतर करते हैं और दूसरा जो देश विरोधी एजेंडा उसको बश भी करते हैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म आई है हमारे बारह हमारे बारह को हाई कोर्ट ने तो बल्कि मुंबई हाई कोर्ट ने तो रोका ही बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो प्रोमो है यानी इसका जो टीजर है जो YouTube पे पड़ा हुआ है वो ठीक नहीं है उसमें गलती है उसमें खामी है वो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है बाबा जी पीके में भगवान शिव को दौड़ा देना ठीक हनुमान जी का मजाक उड़ाना और बहुत सारी हिंदी सिनेमा भगवान शिव को बारे में और देवी दुर्गा के हाथ में बोतल दिखा देना शराब की बोतल दिखा देना ये सारी चीजें ये सारी चीजें हम देखते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन मुस्लिम के खिलाफ आप बोलते हैं और अगर आपने एक फिल्म बना दी तो ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है फर्स्ट वो एक तो ना मैं इस फिल्म के शीर्षक से सहमत नहीं हूं आपको मालूम है पुराने जमाने में बड़े लंबे लंबे शीर्षक वाली फिल्में आने लग गई थी बॉलीवुड तो ट्रेंड को फॉलो करता है ना हम आपके दिल में रहते हैं हम आपके दिल में रह के आपसे प्यार करने लगे इतने लंबे लंबे शीर्षक रखने वाले थे तो एक तो इस फिल्म का शीर्षक गलत रखा गया है और छोटा रखा गया है इसको ऐसा रखना चाहिए हम पांच हमारे छप्पन हमारे बारह का क्या मतलब हुआ हमारे बारह जो है एक्चुअली गलत है एक तो हमारे बारह नहीं जो जो भाई चार पाई अब चार पैर तो कुर्सी के भी होते हैं पर चार पाई चारपाई होती है कुर्सी कुर्सी होती है सिर्फ चार पैर कह देने से नहीं परसेप्शन क्या है कि जिसके चार पैर हैं वह चारपाई है मेज के भी चार पैर हैं पर मेज को चारपाई नहीं कहते हैं चारपाई चारपाई होती है इसलिए जो परसेप्शन है वो बारह बच्चों का नहीं है चौदह बच्चों का है जो तो हमारे चौदह रखते तो भी मैं पार्शली हाँ। सहमत हो जाता तो महिला का काम केवल बच्चा पैदा करना रहेगा आप बताइए तो, हम हाँ। तो जो सामाजिक मान्यता है उस हिसाब से फिल्म का नाम नहीं रखा गया है इसको कायदा रखना चाहिए हमारे चौदह या तो एक के साथ चौदह या चारों के साथ चौदह नहीं हम पांच हमारे छप्पन हम पांच कैसे फोर प्लस वन फोर प्लस वन हाँ। या या फिल्म का और ज्यादा अगर जैसे आजकल स्काई फाइ जब फिल्म बनाने का ना आर 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 हाँ। जैसे अभी, ए, अभी फिल्म साउथ की नहीं आई थी आर 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 वो क्या होता है हाँ। भैया आर, आर 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 तो इस इस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए वन इज टू फोर इज टू फोरटीन इस हाँ। फिल्म का ऐसा भी तो नाम रखा जा सकता था हाँ। हम पांच हमारे छप्पन रख देते है? हाँ हाँ तो एक तो मैं नाम से फिल्म के सहमत नहीं हूं दूसरी बात है सर कि जो मिया लॉर्ड हैं जिस मिया लॉर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगाई है उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो उस मियाँ लॉर्ड के साथ किया गया था जिसने केजरीवाल ठग को जमानत दी थी उसको भी बहुत ट्रेंड हुआ था ना ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था ना हाँ ट्रोल किया बहुत ट्रोल बहुत ट्रोल किया गया था किया था उसको एए, एक तो ना आप लोग बहुत ट्रोल बहुत ट्रोल आप क्या जाने क्या होता है बहुत ट्रोल हिंदी में बहुत ट्रोल हो ही नहीं सकता हिंदी इंग्लिश में बहुत ट्रोल होगा बहुत जब भोजपुरी में ट्रोल किया जाएगा एकदम बनारस बनारसी भाषा में आ, मैं तो कहता हूं मोदी जी को मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि आपने कोई एक बनारसी ट्विटर लॉन्च करना चाहिए ना? आ, जैसे एक्स है जैसे पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया एक तो हम लोगों को सबको मिलकर एक तो बनारस का अलग से ट्विटर टाइप कुछ डेवलप करना चाहिए जिसमें नियम होगा कि सिर्फ बनारसी भाषा में ही कंटेंट आएगा गरिया जाएगा नहीं नहीं वो वो तो बना वो तो शिव जी का प्रसाद है आप लोग उसको गाली कहते हैं आप दिल्ली चले गए तो आप भूल गए बनारस की परंपरा हम लोग तो उसको शिव जी का प्रसाद बोलते हैं तो इस वो तो है ही इस मिया लॉर्ड को जो है बनारस के खांटी अंदाज में इसको बोलना चाहिए कि तुम काहे हम बारह को जो है बैन किए हो अब मुझे एक बात बताइए कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा था नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था कि मिया लॉर्ड बोल पर, बोल दिए कि तुमने देश में आग लगा दी अरे क्लिप कटुआ है एक एल के एफ सी है एल का मतलब आप समझ सकते हैं एल हाँ चेकर एल का मतलब आप दर्शक भी समझ सकते हैं तो एल के एफ सी जो है उसका नाम है जुबेर यानी कि वन्य जीव है वो उस साले ने क्या किया केवल उतना ही क्रॉप वो वो उसने उतना ही सेगमेंट को चॉप किया चॉप करके डाल दिया तस्लीम रहमानी ने जो बोला उसको लेकर कोई बात नहीं होती और जो ये जुबैर है एल के एफ सी साले ने क्या किया कि पूरे विश्व को ट्रेंड कराया और तमाम जितनी भी डीप स्टेट है उसने नुपुर को एक तरीके से निशाने पे लिया और बीजेपी फुट पे आ गई आप समझे ये कितना डीप स्टेट का काम है जर, और ये खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी जो हाई कमांड है उसका अगर बस चल जाए इन लोगों की चलती नहीं है नहीं तो ये अपना चुनाव चिन्ह जो है फूल से हटाकर तेल चटाई लगा लेंगे जीब मत मुझे लगा, कटा हुआ ना बना दे कटा हुआ पीस न लगा दे <laughs> इन लोगों का अगर बस चलेगा तो हाँ। ये अपना चुनाव चिन्ह जो है तेल चटाई ले बना लेंगे हाँ तो इन्होने तो इनका इनको जीवन का एक मतलब इनका ध्येय वाक्य है भाई लेकिन चटाई कौन सी कुश वाली या प्लास्टिक वाली ओ सब को कुछ भी चलेगा जमीन पे मतलब बस लेट जाना है तो बीजेपी का तो ये ट्रेडमार्क है सर आजकल बंगाल में फिर लेटे हुए हैं सब तो एक बात बताइए ना नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था नूपुर शर्मा ने तो हदीसों को ही कोट किया था इस उस, इस हमारे बारह जो फिल्म है इसका मैंने अभी आपने जो टीजर मुझे भेजा वो मैंने देखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऑलरेडी पवित्र पुस्तक में न लिखा हो अरे भाई पवित्र पुस्तक में लिखा है तुम्हारी खेतियां हैं जब चाहे चढ़ो आगे से चाहे आओ तो या पीछे से आओ चाहे जैसे जो तो ऊट पे भी अगर बैठी हो तो भी अगर क्या नाम करे दे का तो जो है एकदम हो जाओ मना कर ही नहीं सकती हो कुप्र है कुप्र। एक मैंने एक एक म, एक लड़के ने पूछा कि अगर बीवी अगर मिया को हुड़क शौहर को अगर उस पर हड़ुक सवार हो गई और पत्नी ने आने में यदि थोड़ी देर कर दी बीवी ने आने में थोड़ी देर कर दी और और जो है जो, जो, मिस्टर गोल टोपी ने अपना आलाय तनासुल बेटी की हाँ। रानों के बीच अगर घुसेड़ दिया तो निकाह बचेगा या डैस् दक्षिण चला जाएगा तो तुमने तो तो बोला नहीं आ, अगर लुत्फ बीवी से बराबर या उससे कम आएगा तो निकाह आ, जो है तब निकाह जो है नहीं जाएगा आ, रहेगा बचेगा मतलब अगर बीवी जरा सी भी देर करे तो बेटी की रानों में घुसेड़ दो ये तो जहांगीर ले आए आप शाहजहां को ले आए एक्चुअली सर तो अगर अगर कोई इस फतवेबाजी को अपनी फिल्म में दिखा दे हाँ। तो क्या गलत है? एक और एक और, एक और और लौंडे ने पूछा था कि क्या अगर चाची बेवा हो जाए तो चाची से निकाह जाए? जब बोलो मौलाना बोला यस जायज है जी हाँ सभी चाची अगर चाचा निपट जाएंगे इस चक्कर में बहुत सारे चाचाओं को मार देंगे भतीजे पे इसी चक्कर में तो अगर चाचा जान फौत हो जाए जान से क्या निकाह हरा, हलाल है तो बोला हाँ हलाल है अब यही सेम फतवा सेम पत्र व्यवहार वार्तालाप अगर कोई अपनी फिल्म में दिखा दे तो मियाँ लोड़ क्या बोलेंगे कि नहीं गलत है आप बताइए ना क्यों गलत है भाई कहां से गलत है संवेदना तो भावनाएं रही है ना अरे क्यों हाँ तो अगर हम अजय एक मिनट एक मिनट सुनिए आपने किसी भी किसी भी धर्म ग्रंथ पे किसी का कॉपीराइट नहीं ना है अगर मैं अगर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं है एक तुम काय पढ़ रहा है जी नहीं ना हमारा नहीं। ना तुम काय पढ़ रहा तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया अच्छा फलनवा महीना में मत मारो उसके बाद जहां जहां लौक जाए वहां उसको मारना शुरू करो सूरा नंबर इतना आयत नंबर इतना अगर मैं पढ़ रहा हूं तो आप कैसे मुझे रोक लेंगे उसके पीछे कारण है आप समझिए देखिए वो अपना कपड़ा उतार के नाचे और नंगा होके नाचे तो चलेगा लेकिन आपने अगर उसे कह दिया कि भाई तुम कपड़ा उतार के नाच रहे हो तो उस आपके ऊपर कोर्ट जो है केस कर देगा आप इसके पीछे है। जैसे अच्छा, अगर होता है गधा पे खुद चढ़ जाए तो ठीक है आप कहेंगे तो नहीं चढ़ेगा वैसे ही ये ससुर कुछ भी अंड का सर... और जाकिर नायक क्या बोलता है जाकिर नायक की सारी चीजें बोलता है छह साल का आदमी छप्पन छह साल की लड़की और छप्पन साल का आदमी सब ने बोला सब कुछ बोला ए टू जेड लेकिन आप बोल देंगे तो आपके जाएगा बाबा जी को निपटाओ बाबा जी को ढूंढो और कत्ल करो कत्ल वाजिब है बाबा जी समस्या ये है वो खुद नंगा नाचे तो ठीक है कत्ल तो फिर अच्छा कर दिए हमारे बारह को वो दर्मा डीएमसी उसको, उसको हाँ। होती है ना आपको मालूम है एमडी हाँ। के बाद डीएम हाँ। होती है जब डॉक्टरी हाँ। में एमडी उसके बाद डीएम होती है इसलिए बाद बनारस में हम लोग एम सी बोलते हैं एम सी इज जो है वो छोटी डिग्री है एमसी से ऊपर वाला डीएमसी होता है डीएमसी दर एमसी हाँ जी तो मतलब घरिया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी में जाता है। तो लॉर्ड जो है आप ये लॉर्ड डीएनसी है।, है, है, है।, तो है फिर तो कोई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो ये मुझे लगता है एक ना आप साइंस के विद्यार्थी है तो आपने उभयलिंगी पढ़ा है उभयलिंगी का का नहीं मैंने नहीं पढ़ा है यानी <laughs> कि वो वह स्वयं की स्वयं के द्वारा भाजन कर लेते खैर तो मैं नहीं जा रहा फिर ज्यादा अच्छा। हम ज्ञान विज्ञान पे पहुंच जाएंगे दिक्कत हो जाएगी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ हाँ लेकिन लेकिन एक महत्वपूर्ण तो बात ये है इन सब हाँ। का दर्द पीके के लेकर नहीं होता एक बार एक और फिल्म आ रही है जिसमें आमिर खान का बेटा हीरो है और उसमें भारतीय बाबाओं को भारतीय यानी कि तिलक लगाने वालों को और वैष्णव संप्रदाय वालों को व्यभिचारी दिखाया गया दिखाया गया कि वो व्यभिचारी हैं, उनका काम केवल अ मौज मस्ती लेना है और तमाम तरह की चीजें हैं नेटफ्लिक्स फारा और ये सारा अंधा इस देश में एल को प्रमोट करना और इस परसेप्शन को हमारे दिमाग में हमारी नसों में हमारे सबकॉन्सियस माइंड में डालने का काम किसने किया ये सारा काम किया नेटफ्लिक्स ने और आज अगर हमारे दिमाग में ये सारी चीजें डाली जा रही है तो वो भी नेटफ्लिक्स कर रहा है यानी कि नेटफ्लिक्स आपको एल जीबीटी सपोर्टर बनाता है नेटफ्लिक्स आपको ये बताता है कि साहब आपको धीरे 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 ये बाबा गलत होते हैं और आश्रम आपने देखी होगी आश्रम वेब वेब आ, मुझे लगता है वो भी थी सीरीज थी तो ये धीरे धीरे इन सारी चीजों को बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है यानी कि नॉर्मलाइजेशन चल रहा है कि सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बल्कि ऐसा नहीं है लेकिन कोई भी उन मौला मौलानाओं को नहीं दिखाएगा जो तमाम तरह की चीजें करता है जो तमाम तरह के मतलब व्यसन करता है अपने मस्जिद में बैठकर सब सारे कुकर्म करता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ उस पर वीडियो बन जाएगी उस पर अगर आप खबर बना देंगे तो या फिर फिल्म बन जाएगी तो आप दिक्कत हो जाएगी तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है इसका निदान क्या है ये कैसे ठीक होगा बनारसी ट्विटर बनारसी भाषा में लॉर्ड साहब को एमसी और डीएमसी इत्यादि उपाधियों से नवाज दिया जाए सारी दुनिया नवाजे और जब जब पिछली बार नवाजा गया था तो लॉर्ड जो लोग बहुत हमको बहुत गाली दी है पब्लिक हम लोग तो खाली हाँ। अपना हम इतना मेहनत करता हूँ हम इतना मेहनत करता हूं तब भी हम जब छुट्टी पे जाता हूं तो हमको पब्लिक घर आता है।, है ना जब जब आपने ट्रोल किया था तो लॉर्ड लोग को जो है उ, उसका संज्ञान लिए थे तो जब मियाँ लॉर्ड लोग ऐसी हरकत करे तो हमको चाहिए कि भोजपुरी में उनका जो है सम्मान करें और तो कुछ आप, मैं आप क्या कर सकते मैं और आप क्या कर सकते हैं मियाँ लॉर्ड का कुछ नहीं कर सकते जम के गरिया तो सकते हैं। हाँ गरिया ये क्या ये, दिक्कत है बिल्कुल बिल्कुल गरियाइए लेकिन अरे वो साला थेथर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना कितना भी गरिया पड़ता है आपको लग रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है हम्म ये चक्कर मत रहिए बहुत फर्क पड़ता है अरे जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे नहीं उनको रहना है यहाँ नहीं 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 चाहे कुछ भी हो जाए फर्क पड़ता है हाँ जो तीन शब्द का निबंध लिखा कर जमानत हाँ। दिया था उसका भी कितना हाँ। कितना ट्रोल किया गया उसको पब्लिक ने कितना गरियाया वो बिना हेलमेट के ही एक बार अपनी स्कूटी पे सब्जी लेने चला गया था जजवाजोन तो हाँ, भाग गया भाग गया भाग्या उसको जो है पत्रकारों ने दौड़ा लिया सर जहां मिले वहीं बेइज्जत करो गरियाओ ऐसे गरियाओ मीम बनाओ तो राश्ट, बनाओ राष्ट्रवादी तो आपको लगता है राष्ट्रवादियों से आवाहन करना चाहिए कि राष्ट्रवादी आगे आए अरे सबको आकर इस सेलेक्टिव अप्रोच को जो है तरिया लेना चाहिए हम्म मुझे मुश्किल लगता है मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि ये किसी के नहीं ये साथ नहीं आ पाते हैं लोग ऐसे मुद्दों पे नुपुर वाले पे तो हुआ आज साहब के खिलाफ आप जाएंगे कहा आप बताइए बात भी सही है मैं आपको बताऊ एक बार पता नहीं क्या कोई केस हुआ था तो इस सब चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं ना ये सब मिलके ऐसा एक एक ऐसा युति बना लिए कि उस केस में कोई वकील जो है वो रिट डालने को ही तैयार नहीं हुआ पूरे इंडिया में हाँ। कोई वकील मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं होगा आपका आप अभी डालिए इस, इस लॉर्ड के खिलाफ कुछ कोई वकील ही नहीं आएगा आपके फेवर में अरे तो सुना भी तो उसी के कोर्ट में जाएगा जज भी तो वही होगा आप समझिए ना हाँ, हाँ। दिक्कत है कि, कि जज भी वही होगा सुने का भी देगा उल्टे आपको जुर्माना करके लगा देगा तो ये भी कह सकता जाओ बेटा जाओ बेटा छह महीने एक साल एक बात के लिए ध्यान रखिए एक बात का ध्यान रखिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अदालत आजकल जनता की अदालत है और जनता की अदालत का एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे आपके पब्लिक के हाथ में है वो है सोशल मीडिया ऐसे मियालॉर्ड्स को सोशल मीडिया पे बल भर कर हो भोजपुरी में घरियाना है पर और शॉर्ट फॉर्म में एमसी डीएमसी इत्यादि हाँ, भाषाओं में हाँ 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 शॉर्ट में शॉर्ट नहीं लेकिन एक 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 और इसमें महत्वपूर्ण तो है बात देख के बीस मिनट हो तो गया कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया जब पीके को सर्टिफिकेट दिया था तो लोग कहते थे कि साहब जब उसका विरोध हुआ तो कहा कि साहब नहीं उसको तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया तो कोर्ट आने की क्या जरूरत है इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया फिर भी कोर्ट ने अपना ऑब्जेक्शन कुछ लोग गए ताली तालीम वाले सच्ची तालीम वाले और जाकर उन्होंने ऑब्जेक्शन कराया कि साहब जो हम घर में करते हैं वो आप, आप पब्लिक उसको ब्रॉडकास्ट कैसे करवा सकते उसके बारे में पब्लिकली कैसे कह सकते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये कितना खास है कि सेंसर बोर्ड कुछ नहीं होता है जब तक आप इनसे पास नहीं करवाएंगे तब तक चीजें नहीं होंगी सर तरीका क्या है ऐसी मनमानी ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इन जजेस का इसके खिलाफ जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई फॉर एग्जाम्पल रिट्स डाली जानी चाहिए हमारे सांसद लोग संसद में ये सवाल उठाएं संसद में ये बहस का मुद्दा होना चाहिए मीडिया में हो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो सोशल मीडिया में हो सोशल मीडिया में इस बात की ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि ये सेलेक्टिव एक्टिविज्म जो है ना आपका जो ये सेलेक्टिव अप्रोच है कि जिसको मन किया उसको चलने देंगे जिसको मन नहीं किया उसको नहीं चलने देंगे ये नहीं चलेगा और पब्लिक अपना आउटरीच जिस तरीके से भी शो कर सकती है करे और एक फिल्म बनाया है ना एक फिल्म रोका है ना एक हजार फिल्म बनाओ इन्हीं विषयों पे आ आज अजमेर फाइल्स बन रही थी फिर रुक गई उसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए कटा। कहता हूं कि सुनिए जरूरी हाँ। नहीं है कि फुल लेंथ फीचर फिल्म बने जरूरी नहीं है हाँ। एक से एक घटिया कंटेंट यूट्यूब पे बन रहा है शॉर्ट फिल्म में बनाइए एनिमेशन में बनाइए अच्छा। एक एक मिनट की छप्पन छप्पन सेकंड के शॉर्ट्स बनाओ एक लाख शॉर्ट्स बनाओ सारी दुनिया मिलके दा बेटा रोक ले बात हाँ। एक करोड़ शॉर्ट्स बनाइए और आपस में व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए छप्पन सेकंड का शॉर्ट्स बनाइए आ जा बेटा रोक ले कैसे रोके मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। हाथ में बहुत ताकत होती है जनता को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है मुझे लगता है ये मैसेज सबसे बड़ा है कि जनता आगे आए और इन चीजों पर काम करे और इसको बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि संगठन में ही शक्ति और संगठन अगर आकर कार्य करेगा तो शक्ति की प्राप्ति होगी और ऐसे मियां लॉडो के खिलाफ एक बेहतर काम होगा आपने समय दिया इस मुद्दे पर बात की इसके लिए बहुत धन्यवाद जय श्री राम नमस्कार दर्शकों से निवेदन है कि कुमार भाई के चैनल जो है सत्य परक भारत को आप लोग लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच कुमार भाई